पेट्रोल डीजल में बढ़ती कीमतों को लेकर जहां एक ओर देश की जनता पर महंगाई की मार पड़ी है, तो वहीं सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बीजेपी की पोल खुलती नजर आई है। कांग्रेस ने दिल्ली मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें कांग्रेस नेता टॉम वडक्कन ने क्या कहा, सुनिए। टेंशन टू दी साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मैं आपसे पूछने चाहता हूं, यही वो मुख्यमंत्री था जो प्रधानमंत्री बनने चाहते थे और बना भी, और आप लोगों को ये कहा कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आपके पास तुरंत आने वाला है, लेकिन हालात ये है कि 16 दिन मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 16 दिन बढ़े। और अजीब गरीब बात यह है कि 5 दिन से पेट्रोलियम प्राइसेस गिर रहा है। ब्रेंट प्राइस जो इंटरनेशनल प्राइसेस लंदन में है, उसका जो रेट है $80 पर बैरल, ये 23 मई का था और फिर वो 6% कम हुआ है और आज $75 पर बैरल हो चुका है। और प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं हम कुछ करेंगे, लेकिन 16 दिन हो चुका है और अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखा आपने कि कैसे कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी का एक पुराना बयान दिखाकर उनकी और बीजेपी की पोल खोली। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर क्या हमला करती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।